अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहा था कि हमें अपने बर्ड्स को सिरका यूज़ करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस मतलब मैंने ये वीडियो बनाई है और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में आप अपने बर्ड्स की केयर के बारे में बताऊंगा कि आप अपने बर्ड्स की किस तरह केयर कर सकते हैं और आप अपने बर्ड्स की केजेस की किस तरह से केयर कर सकते हैं, अपने बर्ड्स की किस तरह से केयर कर सकते हैं और अपने बर्ड्स के केजेस की। तो इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर की जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि जो सिरका है आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो केज बर्ड्स होते हैं उड़ फिर नहीं सकते क्योंकि उनकी उड़ान ज़्यादा नहीं होती, उन्होंने केजेस में रहना होता है और अक्सर ऐसा होता है कि केजेस में रहने की वजह से, छोटी फ्लाइंग की वजह से आपके बर्ड्स को फैट्स हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स आपने खुली फ्लाइंग में छोड़े होते हैं उन्हें फैट्स नहीं होते, और अक्सर ऐसे भी होता है कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जिनके बर्ड्स को फैट्स हो जाते हैं तो वो अपने बर्ड को खुली फ्लाइंग में छोड़ देते हैं, यानी कि बड़े किसी केज में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के जो फैट्स हैं वो कम हो जाते हैं। बर्ड आपका उड़ता फिरता है, ज़्यादा उड़ता है, ज़्यादा उड़ान भरता है, जिसकी वजह से उसके एक्सरसाइज होती है उसके जिस्म की और वो स्मार्ट हो जाता है, उसकी फैट्स कम हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके फैट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए केज बर्ड के लिए जो सिरका है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिरका यूज़ करवाने की वजह से आपके बर्ड्स को फैट्स नहीं होंगे और आपके बर्ड्स को एग बाइंडिंग का इशू नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जब फैट्स हो जाते हैं आपके बर्ड्स की फीमेल अंडे देना छोड़ देती है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने बर्ड्स को सिरका ज़रूर यूज़ कराएं। सिरका यूज़ कराने का दोस्तों तरीका ये है कि आप एक ढक्कन जो है एक लीटर पानी में ही अपने बर्ड्स को यूज़ कराएंगे। जिस तरह आप जितने लीटर पानी यूज़ कराते हैं उतने ही ढक्कन एक बोतल का जो ढक्कन होता है वो भर के एक लीटर पानी में डालना है, और अगर आप 2 से 3 लीटर पानी यूज़ करा रहे हैं तो 2 से 3 ढक्कन जो है आप उसमें सिरके के डालेंगे। तो सिरके का फ़ायदा ये भी होगा कि आपके बर्ड जो होते हैं पेट की बीमारियों से महफूज रहते हैं और अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। दोस्तों सिरका यूज़ कराने की वजह से आपके बर्ड्स का हाजमा ठीक रहता है और आपके बर्ड अच्छी तरह से डाइट लेते हैं और सेहतमंद होते हैं। और दोस्तों आपने सिरका जो है 10 दिन में एक दफ़ा यूज़ कराना है, यानी कि महीने में 3 दफ़ा आपने सिरका यूज़ कराना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कराना। और दोस्तों इसके अलावा सिरके का फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने 60 फुट भिगो के रखा है और उसमें आप सिरका डाल देते हैं तो आपके 60 फुट से स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम गर्मियों में 60 फुट भिगो के रखते हैं तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप उसमें थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं तो उसमें स्मेल नहीं पैदा होगी और आपका 60 फुट बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात आपसे शेयर करता चलूँ, दूसरी बात ये है कि आपने अपने बर्ड्स की केयर कैसे करनी है। इसमें दोस्तों आपने सबसे पहले अपने बर्ड्स के बर्ड्स को पकड़ के उसके परों को देखना है, उसके परों को अच्छी तरह से आपने मुआयना करना है, उसकी आइज को देखना है, उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है ये चीज़ आपने चेक करनी है, और आपने बर्ड्स के पर खोल के उसमें चेक करना है कोई मैट्स वगैरह तो नहीं उसमें पैदा हो गई, बर्ड्स के पर वगैरह ठीक हैं, बर्ड्स के पर जो है शाइनी है, और अगर इसमें कोई मैट्स वगैरह पैदा हो गई हैं तो आपने उसकी मेडिकेशन करनी है और उन्हें वो मेडिसिन यूज़ करानी है जिससे इनकी मैट्स ख़त्म हो जाएँ। और दूसरा ये कि अगर आपके बर्ड्स के परों में इतनी चमक नहीं है तो आप अपने बर्ड्स को नहलाएं, यानी कि आप एक खुला बर्तन रखें जिसमें आपका बर्ड नहाए, और नहाने की वजह से आपके बर्ड्स के पार भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जो आपके बर्ड्स मोल्ड पे आए हैं वो मोल्ड भी उनकी क्लियर हो जाएगी जल्दी से और आपके बर्ड्स के पार भी चमकदार होंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर गर्मियाँ हैं तो आपने अपने बर्ड्स को सुबह के टाइम और शाम के टाइम शावर ज़रूर करना है, शावर करने की वजह से आपका बर्ड तरोताज़ा हो जाएगा और आपका बर्ड फिट रहेगा और आपका बर्ड हंपेगा नहीं। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बारिश का मौसम है, बारिश हो गई है तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों ने अपने शेड जो होते हैं छत पे बनाए होते हैं
और शेड जाली के बने होते हैं और इस वजह से बारिश का पानी जो है आपके शेड में चला जाता है, और बारिश का पानी शेड में जाने की वजह से आपके बर्ड्स के ट्रे भी गीले हो जाते हैं, आपके बर्ड्स के केजेस के ट्रे जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि जो ही बारिश हो, अगर आपके बर्ड्स के ट्रे गीले हो गए हैं तो आप अपने बर्ड्स के ट्रे को जल्दी से जल्दी साफ करें, क्योंकि गीले ट्रे होने की वजह से आपके बर्ड्स के पास स्मेल और फंगस पैदा होगी, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने शेड को भी अच्छे तरीके से साफ करते रहें, और या हफ्तावार या अगर आप 15 दिन बाद भी साफ करते हैं तो फिर भी ठीक है, और आपने सफाई ज़रूर करनी है अपने शेड की, क्योंकि सफाई करने की वजह से आपके बर्ड जो होते हैं सेहतमंद रहते हैं और उनमें कोई वायरस से कोई जल्दी अटैक नहीं करता। आप अपने बर्ड्स के केजेस की ट्रे भी साफ़ किया करें, और इसके अलावा दोस्तों आप अपने बर्ड्स के केजेस की जो सलाहें होती हैं उसे भी साफ करते रहा करें, ताकि आपके बर्ड्स को कोई जरासीम अटैक ना करें। इस तरह से अगर आप अपने बर्ड्स की सफाई करेंगे, केयर करेंगे, तो आपके बर्ड्स अच्छे रहेंगे और इनमें कोई वायरस नहीं आएगा और अच्छे तरीके से फलते फूलते रहेंगे। दोस्तों, यही कुछ एहतियाती तदाबीर थी आपके बर्ड्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सिरके के फ़ायदे बताए हैं और इसका यूज़ बताया कि आपने यूज़ किस तरह करना है और कब यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। और इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट आपको आपके बर्ड्स की केयर बताई है, आपने अपने बर्ड्स की केयर किस तरह से करनी है, उन पर किस तरह से ध्यान देना है ताकि आपके बर्ड्स फिट रहें। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल मुगल बर्ड्स एवरी को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।